हेलो दोस्तों, आप कैसे हो? आई होप आप ठीक ही होंगे। देखिए, अगर आप ड्री अलेवन खेलते हैं तो ड्री अलेवन में खेलने के समय आप बहुत बड़ी गलती करते हो, जो कि कैप्टन और वाइस कैप्टन चुनने में। वो गलती क्या करते हो मैं अभी बताता हूँ, जो कि आप गलती ये कर देते हो, ड्री अलेवन में आप हार जाते हो। अब आपको मन में कई सवाल उत्पन्न होता, क्या मैं गलती करता हूँ? गलती आप ये करते हो, जैसे T10 का मैच है, आप कैप्टन चुन लेते हो T20 वाला। अगर T20 का मैच है, आप कैप्टन चुन लेते हो वनडे वाला, और वनडे का मैच है, आप कैप्टन चुन लेते हो टेस्ट वाला। इस तरह से आप चुन लेते हो, जिसके कारण आप हार जाते हो। अगर आप देखिए, मैं आपको टीम के साथ मैं बताता हूँ कि कैप्टन और वाइस कैप्टन कैसे चुने। आप कोई भी मैच सेलेक्ट कीजिए, जैसे मैंने इस मैच पर क्लिक किए, ये है नेबिया एंड आइसलैंड ओवर्स T20। T20 के बारे में बताता हूँ, फिर मैं T10 का भी मैच के बारे में इसी वीडियो के माध्यम से मैं बता दूंगा, ताकि आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन चुनने में कोई परेशानी या सेलेक्ट करने में कोई परेशानी ना हो, या करेक्ट करने में कोई परेशानी ना हो। देखिए, अब मैं टीम पर चल के बात करते हैं। देखिए, मैंने इस पर क्लिक किए हैं। इस पर क्लिक करने के बाद मैं करेक्ट टीम पर क्लिक करूँगा। करेक्ट टीम पर क्लिक करने के बाद मुझे इस तरह से ओपन हो चुका है। देखिए, अब विकेट कीपर से मैं डेमो के लिए आपको विकेट कीपर से एन रोक को निकोरो लोप्ट को ले लिया है। देखिए, बैट्समैन को मैं बैट्समैन में 3 ले लिया है, और बॉलर में ऑलराउंडर में मैं 3 ले लिए हैं। इस तरह से मैं बॉलर में भी ले लिए हैं। अब देखिए, मेरा टीम करेक्ट हो चुका है, और मैं कंटेंट पर क्लिक करता हूँ। कंटेंट पर क्लिक करने के बाद देखिए, आपको मेन बात यहीं पर ध्यान से देखना है मेरे दोस्तों, कहे कि आप इसी वीडियो के माध्यम से मैं आपको T10 और T20 दोनों मैच के बारे में बताऊंगा। अब क्या करते हो, मान के चलिए ये प्लेयर को सेलेक्ट किए हैं, जे वर्ने ने इतना परसेंट कप्तान चुने हैं, आप ये नहीं जानते हो इसे 1.74 पॉइंट कप्तान चुने हैं, क्या ये सही कैप्टन है या ये गलत कैप्टन है? देखिए, इसको चुना है 41.6% लोग कैप्टन। अब आपको मालूम है कि ये ओलंडर तो है, लेकिन इसको ज़्यादा कैप्टन चुना है, आप इसे कैप्टन सेलेक्ट कर लेते हो और इसे वाइस कैप्टन सेलेक्ट कर। आप ये नहीं देखते हो कि ये कैप्टन T20 में ज़्यादा प्रदर्शन किया है कि या T10 में, ये तो नहीं देखता हो, या तो वन डे में। देखिए, उससे कैप्टन और वाइस कैप्टन ही मेन भूमिका निभाता है। कहा है कि कैप्टन 2 गुना पॉइंट देता है और वाइस कैप्टन 1.5 गुना, यानी मैच जिताने या हराने में कैप्टन और वाइस कैप्टन का ही मेन भूमिका होता है मेरे दोस्तों। देखिए, आप T10 का मैच में होता है करो या मरो, उसी प्रकार से आप कैप्टन चुनिएगा हीटर का, जो कम ही बॉल खाएं और अच्छा रन और अच्छा विकेट लेके जाएं, उसे आप गौर से कैप्टन देखिए और उसका डिटेल्स पूरा देखिए कि ये कितना रन मारा है और कितना बॉल खाया है, कितना अति में आप उसको, वो कैसे पता करें, वो पता करने के लिए आपको पुराना मैच को देखना पड़ेगा कि हीटर बैट्समैन को T10 में हीटर बैट्समैन को लीजिए, अगर पिच रिपोर्ट बैटिंग है तो हीटर बैट्समैन को लीजिए, वाइस कैप्टन भी हीटर बैट्समैन को लीजिए। आप यहाँ पर गलती क्या कर देते हो, आप तो इसी देखो सेलेक्टेड परसेंट देखकर आप कैप्टन और वाइस कैप्टन चुन लेते हो। कहा है कि ये वनडे में चला,
देखिए ये वनडे के लिए कैप्टन है, आप चुन लेते हो T10 में, तो मेरे दोस्तों आप हारना तो तय है, इसीलिए आप पहले चेक कीजिए कि इसका जो कैप्टन और वाइस कैप्टन है T10 का रिकॉर्ड क्या है, क्या ये कैप्टन लाइक वनडे का है। तो वनडे देखिए, वनडे में उसे कैप्टन चूज कीजिए जो अस्थिर से खेलता हो, पिच पर बने रहता है और बीच पर आउट जल्दी ना होते हैं, वनडे में उसको चुनिए। T10 में भी उससे हीटर को देखिए, देखिए इनको हीटर में देखिए, DOS ये जब खेलता है या करो या मरो वॉइस इसे दे दीजिए, और कैप्टन उसे दीजिए जो ज़्यादा हीटर है। अगर पिच रिपोर्ट बॉलिंग पिच है मेरे दोस्तों, अगर बैटिंग पिच है तो T20 में हीटर बैट्समैन को कप्तान दीजिए, वाइस कैप्टन भी हीटर बैट्समैन को ही दीजिए, मध्यम बैट्समैन को ना दीजिए, ताकि आपको रन ज़्यादा बॉल ज़्यादा खा सके, रन कम बनाए, जिसके कारण आप हार जाओगे। अगर T10 मैच है उससे ज़्यादा हीटर को देखिए कि कम बॉल खाने वाले और ज़्यादा रन बनाने वाला बैट्समैन को कप्तान और वाइस कैप्टन बनाइए। आप तो इन दोनों के तुलना में आपको समझ गए हैं कि कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे बनाएं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि यूट्यूब से रिलेटेड इसी तरह से रेगुलर वीडियो आते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।